हिमाचल के बिलासपुर जिले के घुमारवें विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक राजेश धर्माणी बनाए गए हैं, जहां चुनावी रण में उतरने से पहले उन्होंने कुलदेवी बडोली देवी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद उन्होंने माता सोहनी देवी, हरी देवी और माता संतोषी के मंदिर में माथा टेका। उसके बाद निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस बार भी मुझे विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है उससे लोगों को राहत दी जाएगी। हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने घुमारवीं की जनता की आवाज और जनता की भावनाओं के जो है सम्मान दिया है और हमेशा ऋणी रहूंगा घुमारवीं की जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं पहले भी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार घुमारवीं की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन यहाँ पर रहा, जमकर भ्रष्टाचार हुआ और जितने तमाम वायदे इन्होंने किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी उन्हीं के ऊपर जो है वो राजनीति की गई, उन्हीं को अपना दर्शाने की कोशिश की गई, बाकी इनके उपलब्धि के नाम पे लगभग शून्य है। पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से विश्वास टिकट दिलाने के लिए, क्योंकि पार्टी ने सर्वे कराया था और सर्वे के आधार पे हमें टिकट दिया है और मैंने भी पार्टी नेतृत्व से यही मांग रखी थी कि मैं विधिवत तौर पे टिकट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, बल्कि ये मैं नेतृत्व पे छोड़ा था कि आप जो भी जनता की आवाज़ है उसको सुनकर फैसला करें। और इस बार सही मायने में लोगों ने मन बनाया है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और घुमारवीं में निश्चित तौर पे हम रिकॉर्ड तोड़ बटों से जीत। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, सबज बाग दिखाए थे और आज वो वायदे जो हैं हवा हवाई हो गए, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। और जो बड़े बड़े नेता जिनके घुमारवीं की जनता के काम की गारंटी लेते थे और 5 साल तक उनके भी दर्शन नहीं हुए, तो अब जनता सच्चाई से वाकिफ हो चुकी है और निश्चित तौर पे इनके झांसों में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये धनबल और गुमराह के नाम से ही, गुमराह करने के छलने के नाम से ही लोगों को ठगने का इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अब इनकी जो है कलई खुल चुकी है और लोग सच्चाई जान